गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं अपना ये वीडियो अभी शुरू कर रही हूँ। सो इवनिंग टाइम एंड आई एम गोइंग टू शेयर आवर डिनर विद यू ऑल। और यस, गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय मदर एंड यू विल सी व्हाट इज़ द स्पेशल। प्लीज़ सी टू द लास्ट तक देखिए और इन्जॉय कीजिए। और एक बार आप सबका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्जॉय कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का मन होगा, इंस्पिरेशन होगी। सो प्लीज़ डू दैट, लाइक, कमेंट एंड वॉच द वीडियो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमास लाइफस्टाइल में। और आज हम लोग सत्तू का पराठा बना रहे हैं। तो आज मैं अपने मम्मी को इंट्रोड्यूस करूंगी आपसे। और हम लोग जो बिहार के लोग हैं, सत्तू हमारे यहाँ बहुत खाया जाता है, और ठंडी में, गर्मी में, अलग अलग तरीके से। तो गर्मी में मैं आपको बताऊंगी। अभी ठंडी बहुत है यहाँ, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो माँ, आज क्या करने वाले हैं हम लोग सत्तू बना रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहले ये अदरक डालेंगे, ठीक। ये अदरक है, ये लहसुन है, ठीक ना। ये लहसुन डालना है, ये हरी मिर्ची है, ये धनिया पत्ती है, ठीक। अब मम्मा सत्तू कर लो। अब सत्तू डाल रहे हैं, या तो ये सारी चीजें माने पहले रेडी करके रखी थी। और मम्मा, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं था, अभी कैसा है तुम्हारा पैर? अभी तो ठीक है बेटा, अभी। अरे हम लोग बूढ़े हुए हैं ना, हम तो चलते रहता है, ठीक होता है, कभी तबीयत खराब होता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन हम ठीक है। दोस्तों, माँ जब खुश होती है तो कुछ ना कुछ उसको करने का मन होता है। तो आज उसने बोला कि आज अपन सत्तू खाते हैं, और ये सत्तू बहुत अच्छा बनाती हैं। एक्चुअली आपको ऐसा लगेगा कि उसमें होता ही क्या है, बट है बहुत प्यार से और बहुत प्रेम से। बहुत अच्छे से बनता है सत्तू, मसाला है, सत्तू मसाला। अब सत्तू डालना है। सत्तू ये चना को भून के बनाते हैं, और हर जगह खाया जाता है, बट बिहार का स्पेशलिटी है। आज सत्तू पराठा बनाते हैं, सत्तू का लिट्टी बनाते हैं, बहुत बढ़िया। ये डालते हैं, चीजें मिला देने से बॉडी में थोड़ी हीट हो जाती है। और ये हम लोग तो मंगराई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बोलते हैं, काला जीरा बोलते हैं, वो डालते हैं। आप सरसों तेल डालेंगे इसमें, कच्चा सरसों तेल डालते हैं दोस्तों। नमक डाल रहे हैं स्वाद अनुसार। उसके बाद इसको मिलाएंगे, और फिर इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिला के पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा से भर भर बनाएंगे। पूरा मसाला बना के इसमें मिला देंगे, फिर आपको थोड़ी देर में दिखाते हैं। अब देखो बेटा, इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक ना। अब इसको बनाएंगे भबरी, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक ना।
इसको स्वाद अनुसार नमक सब डाल दिए, बहुत बढ़िया होगा। देख रहे हैं ना बच्चों सब, आप मेरा आप लोग का बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरा देखते रहिए, बनाते रहिए, खाते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए ना। और सब्सक्राइब चैनल आप लोग का, मम्मा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हाँ चैनल देखिए, आप उसको कमेंट करिए ऐसा है ना। तो ये मम्मा और बहुत आशीर्वाद आप लोग का, सब कुछ आप लोग खुश रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा वो हो गया सत्तू का जो मटेरियल है, पराठे का मटेरियल। तो आज हम लोग सत्तू पराठा और टमाटर की मीठी चटनी के साथ खाने वाले हैं। तो टमाटर की मीठी चटनी मैं शेयर करूंगी और ये माँ भी कर लेंगी। मैं फटाफट आटा गूंथती हूँ, नॉर्मल जैसा आटा गूंथते हैं वैसे ही गूंथ लीजिए। उसमें थोड़ा नमक और अजवाइन डाल लीजिए अगर डालना है तो, अदरवाइज प्लेन भी चलेगा। और उसमें इसको भर के मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, चटनी भी शेयर करूँगी। थैंक यू और देखते रहिए। यस, ये चटनी बिल्कुल हो गया है गाइस। और दिस इज अ कंसिस्टेंसी, यही कंसिस्टेंसी था जो मैं कह रही थी। देखिए इसका पानी पूरा सूख गया है और अब ये आप पराठा के साथ, पूरी के साथ, जिसके साथ भी खा सकते हैं। तो दिस इज व्हाट मैं पराठे बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। टमाटर की चटनी है, हमने इसको छौंका पहले टमाटर को, कच्चे टमाटर को काट लिया था, पाँचफोरन, लाल मिर्च एंड तेज पत्ता, और उसके बाद इसमें गुड़ डाला एंड नमक, बस और कुछ नहीं करना है। ढक दीजिए और उसको सॉफ्ट होने तक पकने दीजिए। अभी बहुत पानी है, ये पानी धीरे धीरे कम होगा और कंसिस्टेंसी उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, तब तक पकाना है इसमें। मैंने पलट लिया, थोड़ा सा किया था, अब जो खाते हैं घी, रिफाइंड ऑयल, व्हाटएवर इट इज, अब पराठा है, सत्तू का पराठा है, तो डेफिनेटली घी बनता ही है। या बहुत ज़्यादा घी बहुत पसंद ही करते हैं आजकल, सब कॉन्शियस हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं। पहला पराठा मेरे बेटे के लिए इंतजार कर रहा है वो, तो फर्स्ट या बस यूं ही आप पराठे बनाते रहेंगे। And this is the plate. तो आप उसको जैसे भी परोस सकते हैं, ओके? तो ये आशु का प्लेट है, so he's going to have this.